बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लव मैरिज करने से इनकार कर दिया। शास्त्री ने कहा वे माता पिता की इच्छा से ही शादी करेंगे, लेकिन अगर उन्हें किसी से इश्क हो गया तो वे ये बात सभी को मंच से बताएंगे। शादी के मौसम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही है, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब भी शादी करूंगा सबको बताकर करूंगा, प्रेम विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं है, वे माता पिता की पसंद से ही शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी से इश्क हुआ तो मंच से सभी को बताऊंगा। व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, हम किसी को मिले नहीं, हम किसी को जानते नहीं, और इस प्रकार से मीडिया के द्वारा या उनके द्वारा किसी के भी द्वारा जोड़ा जा रहा है, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, हमारे माता पिता को ठेस पहुंचाना है। हमारी किसी भी लड़की से आज तक वार्ता नहीं हुई है, हमारे माता पिता ने आज तक किसी को भी कमेंट नहीं किया है। जब भी कहेंगे खुल करके हमारे माता पिता आज्ञा करेंगे, तो एक बार में ना कहेंगे, हमारे माता पिता हमारी भावनाओं को, धाम की इज्जत को समझते हैं। इससे सनातन धर्म संतों की छवि, क्योंकि आई एम नॉट एक्टर, हम कोई अभिनेता नहीं है कि आप हमारी छवि को बार बार सिर्फ इस बात पर धूमिल करें। हम एक सनातन के सिपाही हैं, और सनातन के सिपाही के जीवन में मर्यादा, पवित्रता और एक पत्नी व्रत धारण का वचन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यूट्यूबर शिवरंजनी द्वारा उनके साथ शादी करने का दावा करने की बात पर कहा कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, देश की सभी स्त्रियां उनकी बहनें हैं, वह किसी के दावे करने वालों से शादी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मार्च से बागेश्वर धाम में शुरू हो रहे 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में देश के प्रसिद्ध नेताओं, फिल्मी हस्तियों, गायकों, क्रिकेटरों के शामिल होने की संभावना है। हम इतने खुल्लम खुल्ला आदमी हैं, अगर प्रेम भी होगा तो छिपाने में क्या डर, तो आप कर भी क्या लोगे हमारे प्रेम में आकर। अगर हमें किसी से प्रेम हो भी जाएगा तो आप काजी के मुल्ला होगा प्रेम, तो हम खुल्लम खुल्ला कहेंगे कि आप जो अंग्रेजी में बोल रहे, आज मर्यादा बिल्कुल ही ना टूट जाए, इसलिए प्रेम अभी हुआ नहीं है, होगा तो बिल्कुल हम कहेंगे भैया दिस इज माई पार्टनर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।